I is equal to 2, because 1 divides every number, I is equal to 2. I is less or is equal to, I is less or is equal to n by 2. N by 2. N by 2. I is less or is equal to n by 2. I plus plus. If my n is divisible by any of the I. अगर मेरे n को कोई डिवाइड करेगा लाइक 23 आएगा तो 23 को हम विल स्टार्ट चेकिंग फ्रॉम 2 तो 23 का हाफ होगा 11 तो 2 से 11 तक कोई डिवाइड करेगा 23 को देन 23 इज नॉट अ प्राइम अदरवाइज इट इज अ प्राइम सो इफ माय नंबर इज डिविसिबल बाय एनी नंबर बिटवीन 2 2 तो अगर डिविसिबल है तो इनिशियली आई विल से लेट द स्टेटस बिफोर आई विल टेक द नंबर लेट द स्टेटस इज वन कर देते हैं हर एक नंबर को जब हम रीड करेंगे स्टेटस में फिर से चेंज कर देता हूं स्टेटस इज वन अगर वो डिविजिबल हो गया तो स्टेटस को मैंने जीरो कर दिया और एक बार डिविजिबल हो गया तो मैं ब्रेक भी कर देता हूं मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा और आई एम इंटरेस्टेड इन द स्टेटस नाउ कि अगर वो स्टेटस वन है तो वो प्राइम है राइट यस और नो स्टूडेंट्स इफ द स्टेटस वन है देखो आप कितना सिंपल हो गया कितना इजी हो गया प्रोग्राम अगर मैंने बोला सर कि इफ मैंने चेक कर लिया स्टेटस अगर वन है तो मुझे उसको लिखना चाहिए एपी में प्राइम फाइल में लिखना चाहिए राइट अगर नहीं है तो कहां लिखना चाहिए एफ एन पी में राइट अगर स्टेटस जीरो है ऐसा जीरो कब होएगा जब वो नॉन प्राइम है राइट इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स यस तो हो गया yes, प्रोग्राम कितना डिफिकल्ट है ये तो कुछ भी नहीं है सर आप तो ये बहुत सिंपल प्रोग्राम था द प्रोग्राम विच आई रोट जस्ट नाउ दिस आई हैव रिटन लॉन्ग बैक राइट प्राइम वाला राइट ये छोटा सा कोड चलो अब हमारा कौन कौन सा वेरिएबल आई है स्टेटस तो डिक्लेयर किया और एक आई को भी डिक्लेयर कर देते हैं हम लोग कॉमा आई रन ओह रन हो गया आप किधर जाके चेक करूं मैं मेरा इवन ऑड फाइल बदल गया अभी इवन ऑड में ओवरराइट हो गया स्टूडेंट्स इवन ऑड जो फाइल था चेंज हो गया क्यों समझ रहे हो ना इवेंट में कौन पहुंच गया प्राइम पहुंच गया गेटिंग माय पॉइंट इवेंट में कौन हो गया प्राइम हो गया राइट ध्यान दो इवेंट ऑड फाइल आपके बदल गए अभी राइट तो मेरे और प्राइम नंबर कहां मिलेंगे इवेंट फाइल में मिलेंगे बिकॉज मैंने प्राइम को कहां पे स्टोर कर दिया इवेंट फाइल में गलती से मुझे प्राइम चेंज करना चाहिए था फाइल नेम ठीक है कोई बात नहीं अपने को प्रोग्राम सीखने से मतलब है लर्न करने से मतलब है अब हम इवेंट फाइल को टाइप कर लेते हैं वहां पे मुझे मिलेगा देखो कौन मिला आपको स्टूडेंट हेलो प्राइम नंबर मिले राइट और ऑड में कौन मिलेंगे कॉम्पोजिट एफ एन देख लो 23 और 29 यहाँ पे नहीं है, है क्या No. नहीं तो एक्सेप्ट 23 एंड 29 बाकी सब यहाँ पे हैं अदरवाइज प्राइम वाले वहां पे राइट सो दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू कि आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए आप उनको सेग्रीगेट करो आप यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज कर दोगे ना देट ऑल्सो देर इज नो प्रॉब्लम आई विल से प्राइम डॉट डी ए टी अगर किसी को नाम से कुछ प्रॉब्लम है एक को मैंने प्राइम डॉट डी ए टी कर दिया और दूसरे को मैंने नॉन प्राइम डॉट डी ए टी कर दिया ठीक है अब इसको मैं सेव हाँ जैसे डॉक फाइल का एक्सेल फाइल का पावर पॉइंट फाइल का राइट वैसे डेटा फाइल एक्सटेंशन है राइट तो मैं रन कर रहा हूं रन हो गया और अगर आपको चेक करना है तो आप चेक करो क्या चेक करना है आपको और सेल में गए हम लोग टाइप प्राइम और डी ए टी देखो प्राइम में आपको प्राइम मिल गया राइट और नॉन प्राइम में आपको नॉन प्राइम मिलेगा नॉन
प्राइम डॉट डी ए टी मिला. यस. अब चलो हम लोग एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, अब उल्टा चलते हैं हम लोग. अब सपोज हमारे पास दो फाइल है, दो फाइल, वो दो फाइल को ये पहले उसके पहले चलो एक कॉपी प्रोग्राम करते हैं. कॉपी वन फाइल इनटू अनदर, कॉपी वन फाइल इनटू अनदर, मतलब एक प्रोग्राम लिखो और वो प्रोग्राम कॉपी करना चाहिए. जैसे कि मान लो अभी देखो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी मेरे पास एक फाइल, ये प्रोग्राम का नाम क्या था, F3. F3 मतलब ये वाला, ये जो C प्रोग्राम है, ये देखो F3.C, ये वाला राइट. कैन यू चेक योर, दिस इज माई F3 राइट. हेलो, देखो मैंने क्या किया. हाँ, ये F3.C मैंने टाइप किया जो सामने स्क्रीन पे आ रहा है. तो मैं चाहता हूँ एक मैं कमांड लिखूँ, कॉपी F3.C into, सपोज मैंने caf बोल दिया, caf.C, F3 is copied into caf, हो गया कॉपी. अब चलो चेक करते हैं caf में ये गया कि नहीं गया, caf.C गया. देखो caf में आया कि नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ आपको. देखो टाइप caf.C, आया कंटेंट्स, जैसे आया कैप में कॉपी करके कॉपी हो गया. तो आई वॉन्टेड टू राइट द प्रोग्राम फॉर दिस, आई मीन द कमांड विच आई एम यूजिंग, दिस इज अ आई मीन बिल्ट इन कमांड, आई वॉन्ट टू राइट माई ओन कमांड. हाउ यू राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी अ फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. ओके, अब जैसे मान लो कॉपी कैफ है, कैफ डॉट सी, इसको मैंने लिया काजोल डॉट सी, काजोल का भी एक फाइल बन गया, वही प्रोग्राम. लेट अस चेक कि काजोल का क्या फाइल है. टाइप काजोल डॉट सी, काजोल का भी फाइल आ गया राइट. कुछ आपको चेक करना है. देखो यार काजोल डॉट सी, देखो काजोल का एक फाइल है, कभी क्रिएट हुआ, आज क्रिएट हुआ है 4 o'clock को, एंड सो मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, 757 कैरेक्टर्स आर देयर इन दैट फाइल राइट. हाँ, डायरेक्टरी मतलब डिस्प्ले करने के लिए डायरेक्टरी. ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स. और कैप को चेक करना है तो आप कैप को भी चेक करो. यहाँ पे आप कैप डाल दो तो कैप का भी एक फाइल आपको मिल रहा है. देखो ये कैप का भी फाइल है राइट. ये भी 757, वो भी 757. और इनको मैंने क्रिएट कहाँ से किया है पता है, इनको मैंने क्रिएट किया था दोनों को F3.C. अब तीनों का देखो साइज इक्वल है कि नहीं, सिर्फ टाइम डेट सबका एक ही है, क्रिएशन टाइम अलग अलग है. F3 मैंने बनाया था 3:59 पे, कैफ क्रिएट हुआ है 4 o'clock को, 4:01 पे और वो 4:02 पे राइट. यस. तो अब जरा हम लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, पहले चलिए एक और प्रोग्राम करते हैं. अभी हम दो प्रोग्राम को मिक्स एंड मर्ज करेंगे. दो फाइल हैं, एक फाइल में थोड़े नंबर हैं, दूसरे फाइल में भी थोड़े नंबर हैं. वो सब नंबर्स को हम एक फाइल में लाएंगे, एक फाइल में लाएंगे एंड हम उनको अरेंज करेंगे राइट. स्टूडेंट्स एक फाइल में थोड़े नंबर हैं, दूसरे में भी थोड़े नंबर हैं, दोनों को मर्ज करो थर्ड फाइल में एंड ट्राई टू अरेंज दी थर्ड फाइल राइट. इज दैट क्लियर. अभी हम लोग दो फाइल बनाते हैं पहले. चलो मैं बना देता हूं कॉपी कॉन और सपोज नंबर 1.dat. मैं ऐसे डायरेक्ट फाइल बनाता हूँ बगैर प्रोग्राम के, नंबर में रख रहा हूँ. क्या हुआ, बनाई नहीं. तो कोई बात नहीं, बनने दो, मैं इसको उधर से लेता हूँ, पैड से बना देता हूँ. यहां से मैं नंबर बना देता हूं, जैसे कुछ भी नंबर रख दो. मैं वो ले लिया, वैक्सीन ले लिया. ठीक है, कुछ भी आप नंबर ले लो. चलो एक ये मेरा फाइल कर देता हूं मैं, ये मेरा फाइल सेव एज,
ये फाइल कहाँ पे रहेगा, ये पीसी में सी ड्राइव में टर्बो सी में इसमें बिन में, ये फाइल का नाम क्या रहेगा, कुछ भी बोल देते हैं, नम वन डॉट डी ए टी, नम वन डॉट डी ए टी, और ये मैंने सेव कर दिया। चलो अब दूसरा फाइल बनाते हैं, न्यू, ठीक है, इसमें भी मैंने चलो थोड़े नंबर रख दिए, एंड आई विल सेव दिस फाइल एज वेल, दिस इज माय, वेयर वेयर आई एम गोइंग टू सेव दिस, नम टू, नम टू डॉट डी ए टी, ठीक है, ये भी मेरा दूसरा फाइल हो गया। अब हमारे पास दो फाइल हैं, चलो अब हम प्रोग्राम लिखेंगे, इज इट, लेट अस ओपन अ न्यू प्रोग्राम। तो करना क्या है स्टूडेंट्स, चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास नम वन नम टू दो फाइल हैं, दोनों को रीड करना है और उसको नम थ्री में ले आते हैं मास्टर फाइल पे, एंड व्हाट एवर नंबर आई विल गेट इन द मास्टर फाइल आई विल हैव टू अरेंज दोस नंबर इन द ऑर्डर, राइट। हेलो, यस सर। सबसे पहले देखो फर्स्ट लाइन, आपके पास में फाइल दो सोर्स फाइल है, दो जगह से आपको डेटा कलेक्ट करना है, तो एफ एस वन सोर्स वन कॉमा एफ एस टू, राइट, ये दो सोर्स फाइल है, राइट, बराबर है कि नहीं, अपने समझने के लिए राइट एनीथिंग, और इनका एक डेस्टिनेशन फाइल होगा, डेस्टिनेशन फाइल और टारगेट फाइल जो भी बोलना है, एफ टी बोल दिया टारगेट, ये दोनों एफ एस वन और एफ एस टू को पहले आप एफ टी में कॉपी करो, तो बिफोर यू कॉपी यू नीड टू ओपन दीज फाइल्स, सो एफ एस वन एंड एफ एस टू आई बी ओपनिंग इन विच मोड, FS1 and 2 will be, I'll be opening in which mode? Read or write? Write. कभी सुधरोगे तुम? Read करना है, write किस में करना है? जिस empty file रहेगा तो write. FT में, third file में हम write करेंगे, right? FS1 में, FS1 is equal to F open, मैं open कर रहा हूँ. My first file name is num1.dat and the purpose for this is R, reading, right? Is that clear? Yes. Just check whether aapse file open hua hai ki nahi. Just check. It is my responsibility to check whether I can open the file or not. If I can open, then only I can do the needful. If FP is null, then I'll say can't open file and I'll close this. एग्जिट जीरो। चलो मेरा पहला फाइल का प्रोग्राम ये डन, अभी मुझे दूसरा फाइल ओपन करना है, सो आई विल कॉपी दिस, सो सेकंड इज जस्ट हैव टू डू द चेंजेस एफ एस टू, एफ एस टू विल बी सेकंड फाइल नम टू, नम टू चेक वेदर एफ एस टू इज यू कैन ओपन, बट इफ यू कैनॉट ओपन बेटर यू क्लोज FS1 as well, right? FS1 as well you have to close. Because FS1 open hua hai and FS2 you cannot open, then why FS1 is open? You close that also, right? Is that clear, students? Yes. FS2 bhi ho gaya. Now let us go for my next file. Shift, insert. I'm going for my third file, that is FT. थर्ड एफ टी, एंड क्या नाम देना है इसको, नंबर थ्री देना है तो नंबर थ्री करो, बट नाउ हियर आई एम गोइंग टू राइट इन टू दिस, सो आई एम जस्ट वॉन्टेड टू चेक वेदर द टारगेट इज ओपन और नॉट, सो इफ इट इज नॉट ओपन देन बेटर आई शुड क्लोज माई एफ एस वन एंड एफ एस टू, I'll close FS1 and FS2 as well, right? इतना सबको समझ गया? अब क्या करना है मुझे? आप मुझे
सबसे पहले मेरा फर्स्ट फाइल को FUF ऑफ FS1 को रीड करो और क्या करना है F scanf FS1 what you want to scanf integer and it should be I'll be taking via n एक नंबर से हम ले लेंगे और F print F इसको हम डालेंगे FT में दिस नंबर हैज टू गो इन FT राइट स्टूडेंट और FT में स्लैश एन रखा है सो दैट न्यू लाइन में जाएगा FT में मैंने ट्रांसफर ये मेरा देखो अभी ये व्हाइल लूप से एक से रीड करता रहेगा दूसरे में राइट करता रहेगा राइट इज इट क्लियर स्टूडेंट्स अब क्या करना है मुझे अब मैं दूसरे से रीड कर रहा हूँ दूसरा व्हाइल लूप लिया दूसरी फाइल के लिए दूसरा FS2 सेकेंड सोर्स से रीड करते रहना है और उसको भी मुझे इसी टारगेट फाइल में राइट करते रहना है राइट इज इट क्लियर स्टूडेंट्स आप ध्यान दो दो व्हाइल लूप एक फर्स्ट फाइल से रीड करके थर्ड फाइल में स्टोर कर रहे हैं दूसरा सेकेंड से रीड करके उसको भी थर्ड फाइल में राइट बिफोर आई अरेंज द नंबर लेट अस चेक कि थर्ड फाइल में क्या आया है दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन आई अरेंज नंबर आया है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं FS1 को क्लोज कर देते हैं FS2 को भी क्लोज कर देते हैं FS2 भी क्लोज हो गया एंड देन FT भी क्लोज हो गया FT इज ऑल्सो गॉट क्लोज्ड एंड लेट मी क्लोज दिस सो फाइल का असेंडिंग ऑर्डर हम कर रहे हैं FASC करते हैं क्या हो रहा है सो मेनी एरर्स है ओ क्यों एरर है मैंने बताया बिकॉज ash include stdio.h भी क्या बच्चा नंबर नहीं डिफाइंड है वेरिएबल सो आई डिक्लेयर वन वेरिएबल इंटीजर नंबर रन क्या है हाँ हो गया मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है आई हैव टू चेक कि भाई वो जो डॉट शेल में जाते हैं क्या फाइल नेम था उसका नाम थ्री थर्ड वाला क्या है नाम थ्री राइट नाम थ्री का नाम थ्री में क्या आया है जरा चेक कर लेते हैं नाम थ्री .dat ओ बराबर है क्या दोनों फाइल के नंबर यहाँ है क्या चलो अब आपको हम दिखाते हैं पहला टाइप वन में कितना नंबर था टाइप नम वन .dat 23 45 से 34 था राइट देखो yes, यहाँ पे ऊपर दिखाई पड़ रहा है 23 45 71 34 तक आया राइट क्लियर है ना स्टूडेंट्स और दूसरे में कौन है नम टू का जरा कंटेंट्स देख लेते हैं हम लोग नम टू देख लो 59 90 96 92 11 15 राइट है ना स्टूडेंट्स तो यही कंटेंट्स मैंने नम थ्री में रखा हुआ है टाइप में नम थ्री करके दिखा देता हूं नम थ्री .dat दोनों का मैंने नम थ्री ये देखो नम थ्री में दोनों के कंटेंट्स आ गए ना यस अब मुझे क्या करना चाहिए मेरी फाइल में डेटा है अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो फाइल में जो नंबर्स हैं मेरे थर्ड फाइल में उनको आप अरेंज कर दो हाउ यू डू दैट बोलो स्टूडेंट क्या करेंगे अब बताइए सर कंपेयर करके कैसे अभी सब वो नंबर हमें कहाँ लाना चाहिए सबको एरे में लाना चाहिए राइट स्टूडेंट्स तो I am declaring one array here. How many numbers are there in this? I do not know, right? कितने नंबर हैं इसमें? थर्ड फाइल में कितने नंबर है कुछ पता है नहीं पता है सर तो मुझे पता है चलो 20 से तो ज्यादा नहीं होंगे राइट 20 से ज्यादा नहीं है तो चलो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे
हम चेक कर लेते हैं, साइज भी पता कर लेते हैं, कितने नंबर हैं हम पता करते हैं पहले। तो एक साइज, वो थर्ड जो फाइल है उसका साइज मतलब कितना है, कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। तो आप देखो, आई एम गोइंग टू ओपन माई, आई एम गोइंग टू रीड द नंबर्स फ्रॉम माई थर्ड फाइल। थर्ड फाइल ये किधर आ गया, वाइल एफ ई ओ एफ ऑफ एफ टी एफ टी वाइल नॉट एफ वाइल नॉट नल। थर्ड फाइल नल नहीं है, तो आप एक काम करो, उससे सब नंबर को निकालो, रीड वॉट एफ स्कैन एफ एफ टी एफ टी से परसेंट डी एंड पुट दैट परसेंट डी इन इन दिस दिस। व्हाट इज आई राइट नाउ, आई जीरो, आई जीरो राइट। तो नम जीरो में फर्स्ट नंबर जाएगा और नम टू नम वन में सेकेंड नंबर आएगा, नम टू में थर्ड नंबर आएगा एंड सो ऑन राइट। स्टूडेंट हेलो, इवन अगर आपको साइज पता करना है तो साइज कितना था, ऊपर मैंने साइज क्या दिया है, साइज इज जीरो, मतलब कितने नंबर्स आपने रीड किए। अगर आपको फाइंड आउट, इफ यू वांटेड टू फाइंड आउट, यू जस्ट से साइज प्लस प्लस, साइज प्लस प्लस, सो यू विल कम टू नो द साइज ऑल्सो एंड हाउ मेनी नंबर्स आर देयर यू केम टू नो। वुड यू लाइक टू डिस्प्ले दिस नंबर ऑन द स्क्रीन, यस आई कैन डिस्प्ले। सो आई विल से फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन साइज, कितने नंबर से हमको मिले साइज आई प्लस प्लस, लेट मी डिस्प्ले बिकॉज आई नॉट आई फ्रॉम दैट फाइल हैव कॉपीड दैट नंबर इन टू माई एरे। सो परसेंट डी मे बी थोड़ा स्पेस दे देंगे कॉमा, जस्ट आई एम डिस्प्लेइंग कि नंबर देखो हमने फाइल से पिकअप किए हैं और मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा हूं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, हेलो एस इट इज। देखो पहले क्या किया मैंने, वो फाइल में मैंने दोनों फाइल के नंबर को मर्ज किया और थर्ड फाइल में अब जो नंबर है उसको मैं यहां से कैच कर रहा हूं, आई मीन आई एम स्टोरिंग देम इन द एरे एंड जस्ट आई एम यू नो व्हाट यू कैन से द डिस्प्लेइंग माय एरे। तो जरा चेक करके देखते हैं मिसिंग किधर है, कर देते हैं सेमी कोलन क्वेश्चन सिंटैक्स, ये कहां से है, रन स्टूडेंट्स कुछ डिस्प्ले हुआ नहीं हुआ राइट नहीं हुआ, आप देखते हैं क्यों नहीं हुआ है। F क्या फाइल नेम, ASC, अरे कंटेंट्स किधर है, हेलो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, कोड किधर चला गया, वाइल नॉट एफ यू एफ ऑफ व्हाट इज इट एफ टी एंड आई सेट एफ स्कैन एफ स्कैन एफ एफ टी से नंबर and put that number in num I and then I said I plus plus, I said size plus plus and then I had closed this and before I'll do this
I would like to write one very important statement, rewind FT. What is this rewind FT? I'll tell you. Before I'll tell you, let me display the list. That is original list. Original list for I is equal to 0, I is less than size I plus plus. And then what I can say here, printf percent d comma num of I. Sum of I. Let me save this. Nahi to fir se jayega. Chalo, let us display. Oh, ye save kyun nahi ho raha hai bar bar? Hash include stdio.h. Ye sab display save hi nahi hai aapke paas. क्या हालत है? इंटीजर नंबर कॉमा आई इज इक्वल टू जीरो कॉमा साइज इज जीरो कॉमा नम 20 सेमीकोलन. सेव दिस. क्या बचा? आई अनडिफाइंड. फिगर अनडिफाइंड है. ओ ये क्या है? हाँ इसको सेव करो. सेव डन. सो नो आउटपुट राइट स्टूडेंट्स एग्जिट. ये किधर लॉन्ग लूप में जा रहा है? इनफाइनाइट लूप में. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. आई राइट द नेक्स्ट प्रोग्राम. आई चेक कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको. एफ और दिस इज वन प्रोग्राम स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल प्रोग्राम. अरे बाप रे, दिस यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. चलो फिर भी मैं समझाने का ट्राई करता हूँ. लुक एट दिस स्टूडेंट्स, हियर समथिंग लाइक यू विल बी गिवन वन फाइल एंड यू हैव टू टेल मी वो फाइल के इनसाइड दैट फाइल हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर. दैट इज हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू हैव टाइप्ड, हाउ मेनी स्पेसेस यू हैव टाइप्ड, स्पेस कैरेक्टर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन्स आर देयर, हाउ मेनी टैब्स आर देयर एंड सो ऑन. आपको ये पता करना है. वो एक फाइल देंगे और आपको पता करना है कि कितना उसमें. और जैसे अभी मान लो मैं आपको प्रोग्राम रन करता हूँ, ये वाला एफ काउंट, फिर मैं आपको बताता हूँ. कंपाइल रन. मैं डॉट शेल में गया, फाइल का नाम क्या है मेरा? एफ काउंट. और मैंने इसको बोला कैफ डॉट सी करके एक फाइल है, उसमें बताओ कितनी लाइन है, कितने कैरेक्टर हैं, राइट, कितने टैब्स हैं. ओ इलीगल कमांड एफ काउंट. इसका एक्सी किधर है? dir f count बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं बना. dir f count dot exe यहाँ पे भी नहीं है, तो कहाँ है exe? तो uint dot exe.
क्या पूछ रहे हो भाई तुम? चलो मैं तुमको ये बताने का कोशिश करता हूँ। सीडी बिन और डीआईआर कुछ यहाँ पे तुमको दिखाई पड़ रहे हैं कि कोई फाइल नेम उसका डॉट सी भी है, जैसे ट्रैप, देखो ट्रैप ट्रैप दिखाई पड़ रहा है, ट्रैप yes. उसका डॉट सी है, डॉट बी ए के है, डॉट बी ए के भी है, राइट right? और भी जैसे तुम्हारे अभी अभी, अभी जितने प्रोग्राम लिखे हैं, जैसे अभी तुम फाइल वन देखोगे, डी आई आर स्टार डॉट ई एक्स ई, इसमें कुछ ऐसे exe हैं जिसको आपने अपने क्रिएट किए होंगे, देखता हूँ कौन सा, dir f star dot exe, हमारे exe किधर है, हमको नहीं मिला एक भी, तो हमारे exe कहाँ जा रहे हैं सब, dir star dot exe, यहाँ पे भी नहीं है, what I mean to say here students, your system does not understand what is .c. .c is the program written in your own language, right? Machine, it is, I mean, what human can understand, right? And the system does not understand what is .c. What system does? Converts into its own language, machine language, executable language, right? Every program will be converted into .exe. .exe, is that clear? डॉट सी हम लिखते हैं और जब कंपाइल होते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देन द प्रोग्राम गेट्स कन्वर्टेड इनटू exe, राइट? हाँ, एक मिनट, मेरा प्रोग्राम को आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है, हर एक फाइल के और दो दो काउंट हैं, डॉट सी डॉट बी ए के एंड डॉट ई एक्स ई भी मिलेगा, मिल जाएगा, डोंट वरी, आई विल शो यू किधर है डॉट सब, नहीं नहीं बी ए के सबका एक बैकअप फाइल भी है, देखो आपका कैफ का, देखो कैफ है, डॉट सी है, कैफ आई थिंक सिक्स फाइल, हेलो नहीं दिखाई पड़े ऊपर, हाँ तो ये डॉट सी, हर एक डॉट सी का एक ये मिलेगा, डॉट बैकअप, बैकअप फाइल, ये आज के नंबर डी ए टी जो नीचे हैं, प्राइम नॉन प्राइम, अब देखो सबका, यहाँ पे exe बहुत कम है, हमारी exe किधर है, एक सेकेंड, आप देखो स्टूडेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारे जितने भी फाइल हैं यहाँ पे, शायद इसमें एक दो के नाम आपको पता होंगे,
यहाँ पे कुछ फाइल आ रहे हैं .obj.exe कुछ आ रहे हैं, कुछ नाम आपके फेमिलियर हैं क्या इतने दिन जो प्रोग्राम हमने लिखे हैं? यस सर। कुछ भी नाम ऐसे समझ में आ रहे हैं .obj.exe राइट? दिखाई पड़ रहा है कुछ तुम्हारे? कुछ नाम देखे हुए हैं क्या? वी हैव स्टोर्ड सेव्ड सो मेनी फाइल्स। 2021 का सितंबर से स्टार्ट है, देखो ना, लुक एट द डेट। मैं फिर से आप, हाँ, सम 1 3 जो भी हैं आप, तो अभी हम एक फाइल है जिसे यहाँ पे एक एफ काउंट करके होगा, उसको मैं वहां पे ट्रांसफर कर देता हूँ। पहले एफ काउंट, सॉरी कॉपी एफ काउंट .exe इंटू, इधर इसको कॉपी कर दें, सी कोलन में टर्बो C3/bin। ओके, कॉपी दिस, हो गया कॉपी। और किसको कॉपी करना है? एक एफ कॉपी भी होगा, dir, जस्ट वेट, एफ कॉपी .exe है क्या? नहीं है। चलो मैं वहां पे जाता हूँ, cd bin में। यहाँ पे मैंने एफ काउंट करके एक exe लिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ, dir f count.exe यहाँ पे आया है, अभी मैंने कॉपी किया, ये है। अब इसको मैंने बोला कि भाई तुम एक काम करो, fcount तुम caf करके, यहाँ पे फाइल है, उसमें कितने कैरेक्टर्स अब काउंट करके मुझे बताओ। देखो बता रहा है, वो क्या बता रहा है स्टूडेंट? हेलो, क्या बताया उसने कि उस वो फाइल के अंदर में हमने 703 कैरेक्टर्स टाइप किए हैं, 123 टाइम मैंने स्पेस बार प्रेस किया हुआ है, टैब एक भी बार प्रेस नहीं किया, और नंबर ऑफ लाइंस 55 हैं उसमें। कितनी लाइंस हैं उसमें? 55। किसने बताया ये सब? रिपोर्ट किसने दिया आपको? एफ काउंट ने, राइट? एफ काउंट क्या है? एफ काउंट क्या है? मेरा प्रोग्राम है, ये है एफ काउंट, इसका exe बनाया गया है, एफ काउंट डॉट सी। ये देखो, ये प्रोग्राम है तुम्हारे सामने जो है, ठीक है, ये प्रोग्राम है, ये बता रहे हैं कि भाई उसमें, तो देखो एक अच्छे से ध्यान दो कि ये चेक करने के लिए आपने यहाँ पे कितने पैरामीटर पास किए हैं। मेरा लास्ट लाइन रीड करो, इफ यू वॉन्टेड टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ गिवन फाइल, हाउ मेनी पैरामीटर्स यू आर पासिंग, 1 or 2? You are passing one parameter or two parameter? Hello? One नहीं, two. देखो एक तो ये फाइल जो काउंट करेगा, ये मेरा एक पैरामीटर हो गया, और कौन से फाइल का काउंट करना है वो मेरा टू हो गया, राइट? फर्स्ट हु इज गोइंग टू काउंट, हु विल काउंट? एंड किसका, कौन से फाइल का काउंट करना है वो फाइल नेम बताओ। तो मैंने बोला सर काजोल करके एक फाइल है, यू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ दिस फाइल, सो यू कैन चेंज दिस ऑलवेज। जैसे एक एफ थ्री करके फाइल था, उसका भी काउंट करना है तो आई कैन काउंट, राइट? इज दैट क्लियर? तो ये, हाँ, तो ये कमांड जो हमने बनाया हुआ है, वी हैव रिटन दिस प्रोग्राम एफ काउंट विच विल काउंट ऑलवेज, जो भी फाइल, देखो लुक एट दिस, ये कैप का ही प्रोग्राम था, हियर आल्सो 703 123 55, राइट? सेम थिंग, और कॉपी किया था। अगर आपको काजोल को भी यहां रखना है तो देयर आल्सो यू कैन, सेम नंबर आना चाहिए, देखो कितना आया, सेम थिंग, राइट? बिकॉज द प्रोग्राम वी हैड कॉपीड हियर, सो आई एम पासिंग टू पैरामीटर्स टू दिस। अगर मान लो आप केवल एफ काउंट लिखोगे, इतना लिखा तो आउटपुट आएगा क्या? नहीं, क्या देना पड़ेगा आपको साथ में, कौन सी फाइल का आपको काउंट करना है, राइट? और यह तो अगर केवल ये कैप डॉट सी लिख दिया तो कुछ होने वाला है? क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? हाउ मेनी पैरामीटर्स यू हैव टू पास, 1 or 2? 2 पैरामीटर्स, फाइल एंड इसका फाइल, पैरामीटर्स, यस। अब हमारे बच्चे नाउ दे आर वेक अप नाउ, 2 पैरामीटर्स, तो लुक एट दिस, देखो ये एक हम सोर्स फाइल हम रीड करेंगे,
जहाँ पे कंटेंट्स हैं, जैसे कैप था, काजोल था, वो मेरी सोर्स फाइल होगी, वहाँ से मैं कैरेक्टर रीड करूँगा. राइट नाउ इनिशियली द नंबर ऑफ लाइन्स आर जीरो, दैट इज NOL, नंबर ऑफ लाइन्स, NOS, नंबर ऑफ स्पेसेस, नंबर ऑफ टैब्स, NOT इज नंबर ऑफ टैब्स, NOC इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, सब जीरो है इनिशियली. राइट, फर्स्ट लाइन में बाद में बताऊंगा, फर्स्ट टाइम यू गोइंग टू सी दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम, ये वाला जो चीज है ना, ये मैं आता हूँ इस पे, मैंने मेन आज तक ऐसा लिखा नहीं है तुम्हारे लिए. राइट, तो इनिशियली आई एम जस्ट चेकिंग कि भाई आप अगर दो पैरामीटर पास कर रहे हो कि नहीं. आप केवल एफ काउंट लिखोगे तो मैं तुरंत बोल दूंगा बाबा इनसफिशियंट आर्ग्यूमेंट्स एंड आई विल कम आउट ऑफ द प्रोग्राम. राइट, अगर आप केवल एफ काउंट लिखोगे तो मैं आउटपुट बता सकता हूँ क्या? कैन आई से शो यू द आउटपुट स्टूडेंट? आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा? एफ काउंट भी लिखना पड़ेगा एंड फाइल नेम भी पास कर. यस, सो हाउ मेनी पैरामीटर्स फाइल, कितने पैरामीटर आप दोगे? दो पैरामीटर. राइट, दो पैरामीटर. तो मैं सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट द प्रोग्राम आई विल बी चेकिंग वेदर यू आर पासिंग टू पैरामीटर्स और लेसर देन टू. राइट, तो मैं ARG आर्ग्यूमेंट का काउंट कर रहा हूँ, कितने आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हो. आई रिक्वायर टू, सो आई शुड गेट टू. नाउ व्हेन यू आर पासिंग द आर्ग्यूमेंट आई एम स्टोरिंग देयर एड्रेसेस, आई एम स्टोरिंग देयर एड्रेसेस. सो लुक एट दिस, ये क्या है? ये एरे हो गया, ये एरे हो गया. राइट, क्या हो गया? ये एरे. राइट स्टूडेंट, ARG क्या है? आर्ग्यूमेंट वेरिएबल. कितने आर्ग्यूमेंट पास करोगे? दो. तो पहला आर्ग्यूमेंट कहां पे स्टोर होगा? ARGV 0. एफ काउंट कहां पे स्टार होगा? 0 पे. राइट, एरे में स्टोरेज कहां से स्टार होता है, स्टोर होता है? सेकेंड जो पैरामीटर हो कहां पे स्टोर होगा? सेकेंड आर्ग्यूमेंट कैफ या काजुअल कहां पे स्टोर होंगे? 1 पे. राइट, तो ये, और मैंने अगर पॉइंटर बना दिया तो मतलब क्या हो गया? ये वो फाइल के एड्रेसेस को कॉपी करेंगे क्या? राइट स्टूडेंट्स, वो दोनों जो फाइल जहां पे भी है उनके एड्रेस को उठाएंगे, एफ काउंट और कैफ या काजुअल जो भी है. राइट स्टूडेंट, पॉइंटर, कैरेक्टर पॉइंटर. So I am opening now, look at this, which file you are opening to count? Look at this line. I am opening ARGV1. What is the ARGV1? Which file name? देखो, 0 में कौन है? F count है, वो fix है. 1 में कौन है? 1 में कौन है? वो कोई भी हो सकता है. Right? जो भी file आपको count करना है. Right? Right students? जीरो में कौन है? एफ काउंट. वन में कौन है? इट कैन बी कैप, काजोल, एफ थ्री, जो भी फाइल नेम दे दोगे उसको काउंट कर लेगा. राइट, एंड दैट फाइल यू आर ओपनिंग फॉर व्हाट पर्पस? रीडिंग और राइटिंग? इसको काउंट करना है, उसको आप क्या करोगे? रीड करोगे ना, उसमें लिखने तो वाले नहीं हो ना. हाँ, तो सीधी बात है, हमको रीड करना है. तो जब रीड करना है, चेक कर लो बाबा ओपन हो रहा है कि नहीं फाइल. ओपन हो रहा है सर. ओपन हो रहा है तो कब तक इसको रीड करोगे आप? आप यहाँ पे देखो, रीड करो वाइल एफ यू एफ नॉट एफ एस, जब तक सोर्स फाइल का एंड नहीं होगा जो भी हमने पास किया है. तो मैं उधर से देखो, एफ गेट सी, फाइल से गेट सी, गेट मतलब गेट रिट्रीव, सी मतलब कैरेक्टर, फाइल से कैरेक्टर रिट्रीव करना है अपने को, ईच कैरेक्टर. राइट, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर आई हैव टू रीड द डेटा फ्रॉम माई सोर्स फाइल एंड दैट ईच कैरेक्टर आई विल स्टोर इट इनटू CH. And the character, the first character which I read just now, I want to see whether it is a space. मतलब क्या space bar press किया है? कैसे space bar press करते हैं? Single space. अगर yes है तो वो NOS++ कर देंगे. क्या मैंने first character पहले ही enter की दबा दिया है क्या? 2-3 बार enter की, मतलब 2-4 line blank छोड़ दिया है. So whenever I'll get \n, that means वो नया line वाला character है. Right? Yes or no students? If that first character which you have just read now, it can be tab also, \t, so I'll say NOT++. Lekin agar wo space bhi nahi hai, \n bhi nahi hai, \t bhi nahi hai, to phir kya hai? That is a simple character, right? Is that clear, students? Aur ho sakta hai ki kisi ne blank file hi save kar diya ho. File to create kiya hai, lekin andar kuch nahi hai. So agar blank file hai, if CH is EOF, एंड ऑफ फाइल, तो फिर आप कुछ रीड करने के लिए बचा क्या? देन बेटर यू कम आउट ऑफ द लूप. राइट, आप लूप को ब्रेक कर दो. अगर वो कैरेक्टर आपका ईओएफ है, राइट,
ये वाला, यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ इसको, ये हमने रीड किया और हमें पता चला कि वो EOF है, तो कुछ चेक करना चाहिए क्या स्टूडेंट्स? हेलो हेलो, व्हाट इज माय EOF? हाँ, मतलब किसी ने, जैसे तुम लोग कुछ लिखने चलते हो नोटबुक में, थोड़ा देर नोटबुक तो ओपन किया, तब तक फ्रेंड का फोन आ गया और बात करते रह गए, दो घंटे ऐसे ही चले गए, फाइल में कुछ लिखा गया हमने, ऐसे ही क्लोज कर दिया, राइट? तो ब्लैंक फाइल मतलब क्या है तुम्हारा, जैसे वर्ड फाइल ओपन किया एंड यू हैव जस्ट ओपन द फाइल एंड यू हैव सेव्ड इट विदाउट राइटिंग एनीथिंग, सो व्हाट इज लाइक, वेयर इज योर पॉइंटर, हैव यू रिटन एनी लाइन ओवर देयर? नो सर. So end of file क्या है? My first character itself is end of file, right? Yes. So if it is end of file, then there is no need to check whether it is line है कि tab है कि character है and so on. So you keep on checking this. Now you take the second character. Do check whether it is end of file or NOS, NOL, जो भी है. Loop में सब check करता रहेगा every time. Because loop में है ना, तो every time it will read second character, third character, fourth character, fifth character and so on, all the characters till end of the file and whatever it is, accordingly it will display like how many characters are there, how many spaces are there and so on. Right, students? Hello? I hope you are getting my point. तो first line को समझो, जब ये program लिखेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है कि for this program I require two parameters. और ये प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं वो जरा देखो. देखो ये प्रोग्राम मैंने कंपाइल किया, कर दिया मैंने, राइट? और प्रोग्राम को अब हम रन करते हैं. रन कैसे करेंगे? ये मैंने रन किया, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ. इसके लिए व्हाट इज टू बी डन? यू हैव टू गो टू द डॉस शेल. और ये प्रोग्राम का जैसे रन करते हैं, इट क्रिएट्स वन exe फाइल, इट क्रिएट्स वन exe फाइल काउंट, f काउंट. और अब चलो एक पहले मैं कोई दूसरा फाइल ले लेता हूँ यहाँ पे, आई थिंक एक इंटीजर वर्ड वाला भी हमारा फाइल है, इंटीजर टू वर्ड कुछ ऐसा है ना, है कितने 2280 वर्ड्स हैं इसमें. तो मैं अब ये वाला फाइल बताता हूँ काउंट को, बाबा काउंट. तो एफ काउंट में जाओ और इंट वर्ड एक फाइल है, उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, कितना स्पेस है, कितना टैब है, कितना लाइन है, मुझे जरा बताओ. बताया इसने, सर आपने 1957 कैरेक्टर्स टाइप किए हैं, 186 टाइम्स आपने स्पेस बार प्रेस किया है, 153 टैब्स हैं, 171 लाइंस हैं. याद है कौन सा प्रोग्राम है स्टूडेंट्स? हेलो हेलो, which is that program? I'll show you the program. ये कौन सा है? ये देखो, वो सबसे बड़ा वाला, ये सबसे बड़ा वाला, right? देखो इसमें बहुत सारे टैब प्रेस हुए थे, right? टैब स्पेस, ये वाला सबसे बड़ा वाला प्रोग्राम, ठीक है? मेरा प्रोग्राम ने सही आउटपुट बताया ना अभी, जो whatever you have seen just now, ये. So with this I will wind up here students, ठीक है? Yes. So what is to be done now? I'll take down your attendance. Please be present. अभी कल हमारा लेक्चर है और स्टूडेंट्स एज पर द टाइम टेबल. Yes, sir. हाँ ठीक है, चलो देखते हैं फिर, ठीक है? ओके स्टूडेंट, चलो टेक केयर, थैंक यू. बोलो 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 बोलो. चलो मैं अभी कर देता हूँ, अभी ले लो बस, ठीक है? एक मिनट दे देता हूँ, लेके जाओ तुम लोग. टर्बोसी सभी star.c को मैंने कॉपी कर लिया है. ये मेरा प्रोग्राम है क्या? हाँ, तो यहाँ पे मैंने
सब आ गए होंगे यहाँ पे, मैंने सबको कॉपी कर दिया है, एक बार चेक कर लेना, नहीं मिलेगा तो मुझे बताना, फिर से मैं इसको जिप कर देता हूँ। और इसको मैं सेंड कर देता हूँ आपको। क्या हो गया भाई मेरा चैट? स्टूडेंट्स, हाँ आया। डेस्कटॉप, सी प्रोग्राम्स, अपलोड अ कॉपी। ठीक है, पहले वाला सी प्रोग्राम है, ये सी प्रोग्राम वन है, पहले आपको ऑलरेडी दिया है। ठीक है, न्यू फॉर्मूला। ठीक है, चलो देन, टेक केयर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Bolo, who is this? Shivangi? Yes, sir. You said something? No, sir. Okay, beta. Theek hai. Thank you, sir. Bye.